कार्यक्रम फलाहार का और नवरात्र में इस तरीके से आरती का कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इस बार आप लोग बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में इसका आयोजन कर रहे हैं, एक और तुष्टिकरण का आरोप भी लगाते हैं आप लोग, और अब इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, क्या कहें? अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं कि नीतीश कुमार, लालू जी, सब लोग इफ्तार करते रहे तब तो आपने कभी नहीं कहा कि तुष्टिकरण है। अगर मैं नवरात्र में फलहार और माता का जागरण हो रहा है और हमारे जैसे लोग अन्य लोग जा रहे हैं, ये तुष्टिकरण आपको लग रहा है? अरे, भारत की पहचान सनातन के बगैर है क्या? अब तो मेरा दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार के राज्य में हमारी दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो जाता है। इस गली से मत जाइए, उस गली से जाइए, कभी कभी मूर्ति खंडित भी हो जाता है। जो तत्व हैं जिनको प्यारा है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को प्यारे हैं वे लोग जो PFI का झंडा उठाते हैं, उनके डर से हमारे ऊपर बंदिश लगाते हैं, तब तो आपको तुष्टिकरण नहीं दिखता। ये तो मैं कह रहा हूँ कि अब समय आ गया है भारत के सनातन संस्कृति के वैभव का समय आया है, हम सब इकट्ठे होकर के इस सनातन की अगुवाई करेंगे। क्या इफ्तार में टोपी पहनने में शर्म नहीं आती है? नवरात्रों में ये गेरुआ गमछी पहनने में शर्म आता है लोगों को? बहुत लोगों को आता है, टोपी पहनने में तो वोट मिलता है। हमें तो हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके वोट की राजनीति की जाती है। आपने देखा होगा, दो दिन पहले टीचर्स भाई बहन को क्या हुआ? नहीं, एक मुगलिया संतुलन है, आपको नवरात्र में जो उपासना का समय है आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। लेकिन माँ दुर्गे ने सभी हिंदू दुर्गे की उपासना करने वाली इकट्ठे हुए और वैसे तत्वों को वापस लेना पड़ा। इसके पहले रक्षाबंधन में क्या हुआ? रक्षाबंधन में इन्होंने हमारी छुट्टियां काट ली हिंदुओं की, मुसलमानों को की छुट्टी काटने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब तो डबल हो गया, एक करेलाती दूजे नीम चढ़ाए, एक नीतीश बाबू दूसरे लालू बाबू, तो कहाँ से हजरत साहब के बल छुट्टी पर कटेगा जन्मदिन पर? लेकिन इनके शिक्षक तो गए स्कूल, लेकिन हिंदू के बेटी बेटियों ने नहीं गया, एक मुंह पर कड़ा तमाचा लगा। और मैं समझता हूँ कि जब जब हिंदू जागेगा, उनको समझ में आ जाएगा ये वोट बैंक ये भी हो सकता है। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ इस नवरात्र में, हे हिंदू भाइयों, जात सबका रहेगा, जात के बगैर हम नहीं रहेंगे, लेकिन हिंदू बनो, नहीं तो ये कुचल देंगे पाकिस्तान की तरह। सर, ये कृषि रोड मैप चौथा मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया, काफ़ी तारीफ किया उन्होंने कि बिहार किस तरीके से आगे बढ़ रहा है कृषि क्षेत्र में, कि नालंदा के किसान ने कैसे विदेशों में नाम कमाया। नालंदा के किसान ही आगे बढ़ते हैं, रोड मैप केवल नालंदा नहीं है नीतीश बाबू, कल्याण बिघा विकसित पंचायत है या गांव है, पूरा बिहार विकसित कल्याण बिघा की तरह नहीं है। आपकी नज़र दूसरे जगह भी खुले, 4 कृषि रोड मैप लागू कर रहे हैं, तब तो आपके हिसाब से हर किसान बम बम करता। ये केवल 100 पीस है। और ठीक ही राज्यपाल महोदय ने कहा कि जब तक नीचे इसका असर नहीं दिखता, तो 3 में क्या दिखा, नीतीश बाबू के बंगले पर आम का बगीचा अच्छा लग गया। अगर वही कृषि रोड मैप है तब तो भगवान भला करे। शशि थरूर ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के इंडिया अलायंस को लीड कर सकते हैं या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, कहीं ना कहीं जदयू को बहुत बड़ा क्या लगता है, झटका लगा है? क्योंकि भाई
जदयू को तो झटका लग चुका कब को, अब 33,000 का झटका चाहते हैं तो अलग बात है, इनको निकाल दे। आखिर मैं बार बार कहता हूं कि इनको रखे भी क्यों, जिनको बिहार में राजनीतिक विश्वसनीयता नहीं। तो कांग्रेस, कांग्रेस के पीछे कौन है? लालू यादव जी खड़े हैं, वो तो राहुल गांधी को यही अनाउंस कर दिया था और आगे चल के तो मिट भी खिला दिया, दुल्हा भी बना दिया, बारात भी सज दिया। तो पहले तो बड़े भाई इनको लंगी मार रहे हैं, हमें क्या लेना देना। कुछ पॉलिटिशियन फिलिस्तीनी को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के कुछ राजनेताओं कल फिलिस्तीन के एम्बेसी गए थे और वहां से फिलिस्तीनी को नरेंद्र मोदी भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी को हम नहीं समर्थन करते।